आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को, एसआई के एग्ज़ाम को, जिसका पोस्ट कोड 619 है, जिसमें कि मैक्सिमम जो मार्क्स हैं आपके 85 हैं एंड 2 आवर का समय दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है, उत्सर्जन, उत्तेजना तथा प्रजनन लक्षण हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके जल्दी से अपना आंसर सोचें। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कुछ पादपों की जड़ें तथा कवक के मध्य का संबंध कहलाता है। जल्दी से अपना जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कवक मूल। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखी है। जल्दी से जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लीनियस। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। जल्दी से अपना जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका राइट आंसर, म्यूरामिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइकोडर्मा निम्न में से किसका उदाहरण है। जल्दी से अपना जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, भिन्न आकार वाले 2 युग्मजों के संगलन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उगेनी, ऑप्शन नंबर बी आइसोगेमी, ऑप्शन नंबर सी एनिसोगेमी, ऑप्शन नंबर डी जूगेमी। तो जल्दी से जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एनिसोगेमी। क्वेश्चन नंबर 7, मैनिटोल डैश में संग्रहित खाद्य है। तो जल्दी से जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी 4 फायरा, ऑप्शन नंबर सी फ्यूकस, ऑप्शन नंबर डी ग्रेसिलारिया। तो जल्दी से जवाब सोचें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, डिप्नोई कुल से संबंधित मत्स्यों को सामान्यतः कहते हैं, उभयश्वासी मीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका आंगिक मीन, ऑप्शन नंबर सी डॉग फिश, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। जल्दी से जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लंग्स फिश, उभयश्वासी मीन, मीन्स मीन मछली। क्वेश्चन नंबर 9, कमर्शियल पेरल इज फॉर्म्ड बाय, व्यापारिक मोती निर्मित होता है किसके द्वारा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से अपना जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ओयस्टर। क्वेश्चन नंबर 10, जेलीफिश का डिंग होता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से अपना जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, प्लैन्यूला। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, निम्न में से क्या शार्क में अनुपस्थित है। जल्दी से जवाब सोचें। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु आशय। क्वेश्चन नंबर 12, रॉयल जेली स्त्रावित होती है। जल्दी सोचें, रॉयल जेली किसमें स्त्रावित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइपोफेरिजियल ग्रंथि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, निम्न में से कौन सी एक क्रेटाडोमस मीन है, क्रेटाडोमस फिश कौन है निम्न में से। जल्दी से अपना जवाब सोचें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एगुला प्रजाति। जो एगुला प्रजाति की फिशेस होती हैं वो एक प्रकार की क्रेटाडोमस फिश होती है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विश्व का सर्वाधिक विषैला मीन्स फिश
आविष इसके द्वारा छोड़ा जाता है। किस विष के द्वारा जो आविष रिलीज किया जाता है, तो जल्दी से अपना जवाब सोचें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फूमर फिश। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, जरायु विकासशील बीज के समीप कहाँ जुड़ा हुआ होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से जवाब सोचें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चलाजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन मूल रूप से उपस्थित होता है। क्वेश्चन आपके पास है, श्वसन मूल रूप से उपस्थित होता है, जल्दी से जवाब सोचें। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लवणोद्भिद में, हेलोफैटीज। क्वेश्चन नंबर 17, स्नायु मुख्य रूप से बने होते हैं, जल्दी से अपना जवाब सोचें। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलास्टीन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रक आरबीसी पाए जाते हैं, जल्दी से जवाब सोचें। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, मनुष्यों में, मुश्कों में, रेट रैबिट, फ्रॉग, मेंढकों में, जल्दी से सोचें। फ्रॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेंढकों में फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइटोल श्रृंखला पाई जाती है, जल्दी से जवाब सोचें। फाइटोल श्रृंखला पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिका मीन्स सेल ड्रिंकिंग इज, जल्दी से जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फिनोसाइटोसिस, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जल्दी से अपना जवाब सोचें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस, इनमें से किसी में भी यह नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, डैश के लिए गुणसूत्र केंद्र आवश्यक है, जो केंद्र बिंदु आवश्यक है किसके लिए है, जल्दी से अपना जवाब सोचें। 22 क्वेश्चन का जवाब सोचें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गुणसूत्रों का ध्रुवों की ओर प्रस्थान। जितने भी आपको आंसर बताए जा रहे हैं एकदम से सही है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, तो बिना पूरे विश्वास के साथ आप आंसर की पे विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 23, जल का पादप के शीर्ष तक पहुंचने का कारण है। जल का जो पादप है उसके शीर्ष तक पहुंचने का कारण क्या है, जल्दी से अपना जवाब सोचें। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूलदाब, रूट प्रेशर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा पादपों में सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, जल्दी से जवाब सोचें अपना। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, जिंक, जिंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, वह पादप जिसमें इष्टतम प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता होती है, तो जल्दी से अपना जवाब सोचें। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कियोफाइटस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, बीजालों के अंकुरण में फेटी अमल अन्य रूप से अपघटित होते हैं, जो एसिड है, अमल है, वो किसके कारण अपघटित होते हैं,
जल्दी से जवाब सोचें। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। पादपों में संरचना विकास नियंत्रण होता है, जो पादप प्लांट्स होते हैं उनमें किस चीज़ के द्वारा, किस संरचना के विकास या नियंत्रित होती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से जवाब सोचें। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एब्सेसिक एसिड के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, जो अकल दांत जिसको बोलते हैं विजडम टीथ, निम्न में से कौन है? तो जल्दी से अपना जवाब सोचें। क्वेश्चन नंबर 28, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लास्ट जो मोलर होता है वो आपकी अकल दांत जिसको बोलते हैं होती है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं वो आवृत होते हैं, लंग्स आर कवर्ड बाय, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा फ्लूरल जो झिल्ली होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी स्रावित करती है? जल्दी से सोचें। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 31 है, हड्डियां भंगूर होती हैं, जो फ्रेजाइल होती है बोन्स हमारी कौन है निम्न में से? जो जल्दी से जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ओस्टियोपोरोसिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बौद्धिक क्षमता को नियंत्रित कर सकता है? मस्तिष्क के किस हिस्से में यह एबिलिटी है कि वो जो हमारी बौद्धिक क्षमता है उसको कंट्रोल कर सकता है? जल्दी से जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्रंटल लोब, हिंदी में बोलेंगे अग्रलाट पाली, हिंदी काफ़ी टफ देखने को मिलती है इसमें, इसीलिए बोथ लैंग्वेज में आप जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है तो आप उसमें क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 33 क्वेश्चन, आपातकाल इमरजेंसी के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन हमारा स्रावित होता है? तो 33 का जवाब सोचें, इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर सी एड्रेनालिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो सेल्स होते हैं कोशिकाओं का एक असंगठित समूह है, एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? 34 का राइट आंसर हो जाएगा कैलस, सी डबल एल यू एस, कैलस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, सिनर्जीड जिनको सहायक कोशिकाएं भी बोलेंगे क्या होती हैं? इज जल्दी से सोचें। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा अगुणिक, हैप्लोइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, महिलाओं में ऋजु चक्र की समाप्ति को कहते हैं इज कॉल्ड, जल्दी से जवाब सोचें। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 36 का राइट आंसर हो जाएगा रजोनिवृत्ति मेनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा ओरल पील्स का घटक है? जल्दी से अपना जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 38, वह जीन्स जो काफ़ी लक्षणों को नियंत्रित करता है कहलाता है? जल्दी से अपना जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लियोट्रोपिक जीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 39, निम्न में से कौन सी डीएनए की संरचनात्मक उप इकाई है, सब यूनिट, डीएनए की जो सब यूनिट है कौन है निम्न में से? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से जवाब सोचें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियो
राइटस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 40 क्वेश्चन है। पेंजिनेसिस की थ्योरी दी गई है, जो पेंजिनेसिस की जो थ्योरी किसने दी है जल्दी से सोचें। क्वेश्चन नंबर 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डार्विन के द्वारा यह थ्योरी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? डार्विन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 41। निम्न में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़ी आकार की होती है परंतु जैसे आयु बढ़ जाती है उसका आकार बिगड़ जाता है? तो जल्दी सोचें कौन सी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर थाइमस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 42। क्वेश्चन बोलता है कि विपुंसन किसके साथ संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी से सोचें। इंस्कुलेशन है रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइब्रिडिशन संकरण। क्वेश्चन नंबर 43 राइजोबियम किसका उदाहरण है? राइजोबियम इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया सर्वाधिक उपयोगी है? जल्दी से अपना जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर 44 का जवाब सोचें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर डीएनए प्रवर्धन में। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन सा एंजाइम डिटर्जेंट बनाने में प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट? जल्दी से अपना जवाब सोचें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर प्रोटीएज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा ले जाती है, जो स्पीसीज होती हैं उनकी जो प्रतिस्पर्धा ले जाती है किस को ले जाती है? जल्दी से सोचें। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर विलुप्ति की ओर एक्सटिंक्शन। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है इडिफिक कारक जिसको फैक्टर उल्लेखित है। जल्दी से सोचें इडेफिक फैक्टर रेफर टू। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सॉइल मृदा। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से कौन सी मछली भारत में विदेशियों द्वारा लाई गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जल्दी से जवाब सोचें। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मिस्टर सिंघाला। सी इज द राइट आंसर मिस्टर सिंघाला जो कि फॉरनर के द्वारा लाई गई थी भारत में फिशेस की जो प्रजाति थी। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास दिया गया है जो कृष्ण जिसको ब्लैक लंग्स फेफड़े की बीमारी सामान्य है किसने है? सामान्यतः जो ब्लैक लंग्स डिजीज इज कॉमन इन। जल्दी से जवाब सोचें। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोयला खनको में कोल मिनरल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 यूट्रोफिकेशन ज़्यादातर देखा जाता है। यूट्रोफिकेशन इज ऑफ्टन सीन इन। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर शुद्ध जल झीलों में। क्वेश्चन नंबर 51 तो ऑप्शन को जल्दी जल्दी खुद पढ़ें बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेन फिशेज सेल रेखाएं उनमें उनके लिए प्रयुक्त होती हैं। फिशेज सेल लाइंस आर यूज्ड फॉर। जल्दी से अपना जवाब सोचें। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायरस विषाणु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है
कहां से लौह मुक्त जल प्राप्त करके एक मत्स्य बीज उत्पत्ति शाला अच्छी तरह चलाई जा सकती है? जल्दी से अपना जवाब सोचें। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रिवर नदी। 53 क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में एकल सर्वाधिक संवर्धित शेल फिश है? जल्दी से अपना जवाब सोचे हैं। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्रेशोटिया गाइगस। 54 हमारे पास है, बॉम्बे डक सर्वाधिक पकड़ी जाती है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा डोलनेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 55 क्वेश्चन हमारे पास है, टिंका टिका का सामान्य नाम है, कॉमन नेम ऑफ टिंका टिका इज? जल्दी से अपना जवाब सोचें। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कॉर्प। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 56 क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी एक बोनी फिश नहीं है? जल्दी से अपना जवाब सोचें, निम्न में से कौन सी एक बोनी फिश नहीं है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा झींगा मछली, जो कि है प्राउन, एक बोनी फिश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास दिया गया है, बाहरी जीन वाली मछलियां जानी जाती हैं। तो जल्दी से अपना जवाब सोचें, 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ट्रांसजेनिक फिश। क्वेश्चन नंबर 58 लेंटिक आवास में सम्मिलित है? जल्दी से अपना जवाब सोचें। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, झीलें। 59 क्वेश्चन हमारे पास है, नारियल के तेल में मुख्य रूप से पाया जाने वाला फैटी एसिड है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉरिक एसिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 60, कॉर्प नवजात के लिए अत्यधिक पसंद किए जाने वाला फूड आइटम है? जल्दी से अपना जवाब सोचें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रोटी फल। क्वेश्चन नंबर 61 है, संख्या 20,340 का अभिव्यंजक अंक है? तो जल्दी से अपना जवाब सोचें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4। 62 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऋणात्मक नहीं हो सकता? Which of the following cannot be negative? जल्दी से जवाब सोचें, 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुल पथ लंबाई, टोटल पाथ लेंथ ऋणात्मक नहीं हो सकता कभी भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, दो समान सदिशों के मध्य का कोण है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा 0 degree Celsius। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 64 क्वेश्चन हमारे पास है, आवेश की इकाइयां किसके समान होती हैं? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास दिया गया है, एक पिंड को एक डोरी के साथ बांधा गया है जिसे वी वेग के साथ आर त्रिज्या में वृत्तीय गति दी गई है, त्वरण की मात्रा क्या होगी? तो जल्दी से अपना आंसर निकालें, 65 का राइट आंसर हो जाएगा V² / R, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें, बिकॉज आपके एक लाइक एंड शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।